हेलो फ्रेंड्स, यदि आपका मेनोपॉज हो चुका है और अब यदि मेनोपॉज के कारण आपके सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होने लगी है और आपके हस्बैंड वाइफ में झगड़े बढ़ गए हैं, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको बताने जा रही हूँ कि मेनोपॉज के बाद अपने सेक्सुअल लाइफ को कैसे मेंटेन रखा जाए, कैसे लिबिडो को इंक्रीज किया जाए और कैसे सेक्सुअल लाइफ को और आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो परेशानी क्रिएट होती है मेनोपॉज आने के बाद, हार्मोन की कमी होने के कारण वजाइना के अंदर ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस आने के कारण इंटरकोर्स होने में परेशानी आती है, जिसके कारण आप उसको अवॉइड करने लगती हैं। तो उसको अवॉइड ना कीजिए, उसका सोल्यूशन ढूंढ लीजिए। और सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपका नीचे से पेल्विक एग्जामिनेशन करके आपको प्रॉपर तरीके से सही चीज एडवाइस कर पाएंगी। जनरली जो हम लोग एडवाइस करते हैं, तो वजाइनल ड्राइनेस को कम करने के लिए पेल्विक जेलीज आती हैं, जिनको आप यूज करके ड्राइनेस को कम कर सकती हैं। और यदि वजाइना की जो अंदर का लेयर है वो काफी थिन हो गया और कई बार उससे इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होने लग जाती है, क्योंकि थिन होने के कारण, रगड़क लगने के कारण वहां से ऊजिंग या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में ईस्ट्रोजन हार्मोन की जो क्रीम आती है वो पूरी वजाइना में अंदर की तरफ अप्लाई करनी होती है डेली नाइट में, जिससे कि वो अंदर का लेयर का थिकनेस बढ़ जाता है, उसका वैस्कुलरिटी बढ़ जाता है और उसके अंदर सिक्रीशन भी बढ़ जाता है, तो जिससे आपके ड्राइनेस भी कम हो जाती है और उसका थिकनेस बढ़ने के कारण उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। और यदि आप इंटरकोर्स करते टाइम पेल्विक जेली का इस्तेमाल करती हैं, तो उससे लुब्रिकेशन के कारण स्मूथनेस आती है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आप यूज कर सकती है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, हार्मोन्स का लेवल डाउन आ जाना, यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल कम आ जाता है और टेस्टोस्टेरोन का थोड़ा बढ़ता है, तो किसी किसी लेडीज के अंदर लिबिडो बढ़ जाती है कम होने की जगह, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो लिबिडो भी बढ़ती है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि आप अभी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे कई प्रकार के सप्लीमेंट्स आते हैं और ये ऐसे इंजेक्शंस भी आते हैं जो कि हार्मोन थेरेपी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये महीने में एक इंजेक्शन लगता है जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन तीनों का कंबाइंड डोज होता है और वो डोज पूरे महीने भर काम करती है। सिंगल इंजेक्शन से आपको ईस्ट्रोजन का रिप्लेसमेंट भी मिलता है और टेस्टोस्टेरोन का रिप्लेसमेंट भी मिलता है, जिससे कि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को भी एंजॉय कर सकती हो और साथ ही साथ ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने से जो हार्मोन की कमी के जो लक्षण आ रहे थे, यानी कि जैसे हॉट फ्लशेज आना, चिड़चिड़ापन होना, मूड खराब होना, वो सारे सिम्टम्स भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। आपको नींद अच्छी आने लग जाती है और ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने के कारण बोन्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, क्योंकि कैल्शियम डिपोजिशन के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से यदि आप HRT लेती है, यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती है, तो आप अपनी लाइफ को काफी हद तक मैनेज कर सकती हैं, मेनोपॉज के लक्षणों को आप खत्म कर सकती हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं। यदि आपके इससे रिलेटेड और कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारे फेसबुक और इंस्टा को आप जरूर फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारे डेली अपडेट्स मिलते रहें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।